आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ स्टूडियो और मैं आपके साथ हूं मैरा रैना। टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और जम्मू में काफ़ी गर्मी है। जम्मू के जो काफ़ी इलाके हैं वहां पे भी बहुत गर्मी देखने को मिल रही है। कश्मीर जो कि समर वकेशन के लिए लोग जहां पे जाते थे, काफ़ी ठंडा इलाका है और वहाँ पर भी इस बार काफ़ी गर्मी देखने को मिल रही है। वहीं हम बात करें स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से समर वकेशन जो है वो अनाउंस कर दी गई हैं और समर वकेशन जो है बच्चों को फर्स्ट ऑफ जून से होने वाली है, यानी कि शनिवार से। और वहीं हम देखें चीफ एजुकेशन ऑफिसर उधमपुर ने एक नोटिस जारी किया है कि बच्चों के जो समर कैंप के लिए, समर कैंप जो है वो 5 से 12 जून को लगने वाला है। वहीं अगर बात करें जो बच्चे हैं बड़ी मुश्किल से उनको छुट्टियां मिली थी इतनी गर्मी को देखते हुए, वहीं जो उधमपुर एजुकेशन डिपार्टमेंट से ये नोटिस जारी किया गया है कि समर कैंप के लिए, और काफ़ी ऑब्जेक्शन आ रहे हैं लोगों के इस पे कि इतनी गर्मी में बच्चे कैसे जाएंगे। और इसकी टाइमिंग भी रखी गई है 8 से 10 बजे तक और 12 से पहले ये एक्टिविटीज़ करवाई जाएंगी। 8 बजे भी आप देखें तो सुबह बहुत गर्मी होती है और बच्चों के लिए 8 बजे भी निकलना बाहर बहुत मुश्किल है। और वहीं अगर हम बात करें ये जो थीम है काफ़ी अच्छी रखी गई है, मिशन लाइफ, जिसमें आप एडॉप्ट सस्टेनेबल फूड सिस्टम, रिड्यूस ई वेस्ट, रिड्यूस वेस्ट, सेव एनर्जी, सेव वाटर जैसी ये जो एक्टिविटीज़ हैं वो रखी गई हैं और इनके दिन भी अलग अलग रखे गए हैं। और इस एक्टिविटी में पेरेंट्स, बच्चे और कम्युनिटी मेंबर और स्टाफ मेंबर भी इनवाइटेड हैं। इस समर कैंप के लिए बच्चों को बुलाया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया है ये समर कैंप, काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन जो टाइमिंग है और जो इस टाइम पे इन्होंने ये समर कैंप ऑर्गेनाइज करवाया है, जहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ही अभी ही स्कूल्स के लिए समर वकेशन का नोटिस जारी किया है, उसी के साथ साथ ये समर कैंप ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं जहाँ पे इतनी हीट वेव हो रही है और टेम्परेचर दिन ब दिन हाई होता जा रहा है, जहाँ पे बताया गया है कि लोगों को और बच्चों को काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती हैं इस टेम्परेचर को देखते हुए। और ऐसी और अपडेट्स देखने के लिए देखते रहें जेके न्यूज़ टुडे। वीडियो जर्नलिस्ट काकाराम के साथ मैं हूं मैरा रैना।